आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के देहरादून में भी दशहरा पर्व का उल्लास बिखरा। सुबह से ही बाजारों में जहां चहल पहल थी, वहीं शाम के समय आकर्षक आतिशबाजी के साथ रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें कि रावण दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जैसे ही रावण का दहन हुआ, वैसे ही हैप्पी दशहरा की आवाज गूंज उठी। लोगों ने एक दूसरे को विजयादशमी की बधाई दी। मुख्य आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में बन्नू परिवार की तरफ से किया गया है। वही यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीएम धामी ने रिमोट दबाकर रावण का दहन किया। इसके अलावा शहर के अन्य कई स्थानों पर भी रावण दहन के कार्यक्रम हुए हैं। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान एक मीडियाकर्मी के साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। वही वीडियो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को प्राप्त हुआ। इसके बाद मीडियाकर्मियों की शिकायत पर अजय सिंह ने उक्त सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया। जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त उक्त सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर तैनात था और मीडियाकर्मी कवरेज के लिए पहुंचा था, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने मीडियाकर्मियों को धक्का देकर बाहर कर दिया। रिपोर्टर है ये, वो साथी है वो यार, ग्रेंड का पता नहीं यार। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।